हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंसी ऑफ रिसर्च। रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए? सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिसर्च की मीनिंग को। देखिए, रिसर्च मीन्स क्या होता है। कहा गया है रिसर्च इज एन आर्ट। रिसर्च क्या है? एक आर्ट है इन्वेस्टिगेशन करने का। रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। या हम यह भी कह सकते हैं रिसर्च इज ए सिस्टम साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। जब हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहां पर कहा गया है वो हम रिसर्च कर रहे हैं वहां पर। या हम यह भी कर सकते हैं रिसर्च इज ए सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च इज ए सर्च फॉर नॉलेज। जब हम नॉलेज के लिए सर्च कर रहे होते हैं तो उसे हम रिसर्च करते हैं। कहा गया रिसर्च की सिग्निफिकेंसी क्या है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं। कहा गया है ऑल प्रोग्रेस इज बॉर्न ऑफ इंक्वायरी। बॉर्न, देखिए मींस कहा गया है एक सोसाइटी तभी प्रोग्रेस कर सकती है जब उसमें हमेशा टाइम टू टाइम कंटिन्यूअस बेसिस पर रिसर्च होता रहे। कोई भी कंट्री डेवलप्ड तभी हो सकती है, डेवलपिंग कंट्री तभी हो सकती है जब वहां पर रिसर्च वर्क हमेशा चलता रहे। रिसर्च होने से क्या होता है कि रिसर्च अगर हो रहा है तो वहां पर इनोवेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नए नए नॉलेज को एक्वायर करना, नए नए नई नई चीजों का आविष्कार होना, ठीक, ये किसकी हेल्प से होगा? रिसर्च की हेल्प से होगा। कहा गया डाउट इज ऑफ्टन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस। कहा गया डाउट को बेटर माना गया है ओवर कॉन्फिडेंस से। अगर किसी पर्सन के पास डाउट है, अगर किसी पर्सन के पास ओवर कॉन्फिडेंस है किसी टॉपिक को लेकर, तो सब मान लीजिए कि जिसके पास डाउट है ना वो बेटर है इन कंपैरिजन टू ओवर कॉन्फिडेंस वाले पर्सन से। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में लोग गलती करते हैं। डाउट रहता है तो वहां पर कुछ हुआ, अगर आपके पास डाउट है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर डाउट है तो आप उससे रिलेटेड नॉलेज को और एक्वायर करेंगे और आप उस चीजों को स्टडी करेंगे और आप उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप नॉलेज एक्वायर करना, नॉलेज प्राप्त करना बंद कर देते हैं। और जब नॉलेज को प्राप्त करना एक्वायर करना बंद कर देते हैं तो आपका डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाता है, आपका विकास वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, तो यहां बताया गया है कि जो हमारे जो डाउट होता है वो इंक्वायरी को लीड्स करता है। अगर आपके पास डाउट है तो आप इंक्वायरी करेंगे और जब आप इंक्वायरी करेंगे तो आपके पास इनोवेशन होगा, इन्वेंशन होगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा? इन्वेंशन होगा, नए नए विकास कार्य होंगे। इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिसर्च मेक प्रोग्रेस पॉसिबल। आप अगर अपने रिसर्च को इंक्रीज करते हैं तो यह पॉसिबल है कि आपका प्रोग्रेस भी इंक्रीज हो। देयर आर मेजर सिग्निफिकेंसी ऑफ रिसर्च इन टुडे लाइफ। क्या क्या है सिग्निफिकेंस? कहा गया रिसर्च इंक्लूड्स साइंटिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग। रिसर्च हमें क्या बताता बनाता है, किस तरह का बना देता है, जबकि हम अगर कोई पर्सन रिसर्च कर रहा होता है तो वह साइंटिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग हो जाती है। उसकी जो थिंकिंग हो जाती है वो लॉजिकल बातें होता है करने, लॉजिक के ऊपर कार्य होता है करने। कोई भी चीज़ करेगा तो उसका कार्य करने का मतलब होगा कि वह लॉजिकली उस चीज़ को करेगा। ठीक है, तो लॉजिकल हैबिट यहाँ क्या कर देता है, रिसर्च को इंक्रीज कर देता है। एक पर्सन के अंदर लॉजिकल हैबिट इंक्रीज कर देता है रिसर्च। द रोल ऑफ रिसर्च इज इन सेवरल फील्ड ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक। जो अप्लाइड इकोनॉमिक है वहां पर रोल ऑफ रिसर्च क्या है, बहुत ज्यादा है।
whether related to business or to the economic as a whole. अगर हम business की बात करते हैं तो business में बहुत ऐसी चीजें हैं जैसे price and demand, price of the related goods, price of the substitute goods. फिर इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिनके ऊपर क्या करता है एक रिसर्च हमें नॉलेज देता है. जैसे बिजनेस की अगर बात हम करें तो मार्केटिंग मार्केटिंग रिसर्च, फिर उसके बाद प्राइस प्राइस से रिलेटेड रिसर्च, बिहेवियरल एटीट्यूड इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च किए जाते हैं. सॉरी इकोनॉमिक में भी इसी तरह का है जैसे GDP के ऊपर रिसर्च करना हो गया. ठीक, तो यह रिसर्च हमें यह सभी चीजें प्रोवाइड करता है. रिसर्च प्रोवाइड द बेसिस फॉर नियरली ऑल गवर्नमेंट पॉलिसी इन आवर इकोनॉमिक सेक्टर. अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा रिसर्च किया जाता है, मीन्स की डेटा का कलेक्शन किया जाता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है. गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ऐसे ही नहीं ला देती है. अगर उसे लगता है कि नहीं हाँ पॉलिसी लाना चाहिए, उसके उससे रिलेटेड डेटा उसके पास होगा तभी ना करेगी. और डेटा कैसे आएगा, रिसर्च के माध्यम से आएगा. रिसर्च हैज इट्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन सॉल्विंग वेरियस ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री. अगर कोई सी बिजनेस या इंडस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाता है तो विद द हेल्प ऑफ रिसर्च उसे हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे अगर ऑपरेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेशनल रिसर्च हम कर लेते हैं. मार्केटिंग से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो मार्केटिंग रिसर्च कर लेते हैं. इसी तरह अगर एम्प्लॉय के मोटिवेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो मोटिवेशनल रिसर्च करते हैं. ठीक, तो यही क्या है रिसर्च के बहुत ढेर सारे सिग्निफिकेंसी है सिग्निफिकेंसी है सॉल्विंग वेरियस पहला है इसको क्या है हमारा ये सिग्निफिकेंसी है सॉल्विंग वेरियस ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड फॉर्मुलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लॉजिकल हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड अप्लाइड इकोनॉमिक में हम प्रयोग करते हैं रिसर्च को. तो ये हमारी सिग्निफिकेंसी है.